हैं और एक अहम खबर का रुख करेंगे। ईटी नाउ स्वदेश लगातार एसएमई आईपीओ और शेयरों से निवेशकों को सावधान करने की मुहिम चला रहा है। हमारी ये मुहिम अब रंग लाने लगी है। सेबी के होल टाइम मेंबर अश्विनी भाटिया ने जोर दिया है कि एसएमईज के लिस्टिंग के मामले में एक्सचेंजों और ऑडिटर्स को ज्यादा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। Let me talk about the ecosystem, and the ecosystem includes chartered accountants, it includes merchant bankers, and it includes exchanges. And very often, and what we have seen in the recent past, is the fact that the checks and balances are simply not there. Nobody is actually saying no to the applicants. Maybe the diligence that is required of the chartered accountants, merchant bankers, and exchanges is possibly missing, and they need to do some hard work over there. And analogy can be drawn with a doctor. Please be good doctors to these companies. Don't give them steroids when they can survive on paracetamol. सेबी की तरफ से एसएमई आईपीओ को लेकर जो है उन्होंने इन्वेस्टर्स को आगाह किया है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके ये बताया कि इन्वेस्टर्स कृपा करके सावधान हो जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है कि देश की सबसे बड़ी रेगुलेटर सेबी को ये पॉइंट आके बताना पड़ रहा है कि इन्वेस्टर्स सावधान हो जाओ, आपके पैसे का प्रमोटर गलत इस्तेमाल कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ मर्चेंट बैंकर्स एसएमई आईपीओ एक अखाड़ा बना दिया गया है जहां से आप फंड रेजिंग करें उल्टी सीधी कुछ भी चीजें दिखा के। हमने पिछले एक हफ्ते से एक भी आईपीओ को आपको सामने नहीं रखा, उससे पहले भी हम एसएमई आईपीओ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। हमें हल्की हल्की भनक पहले से समझ में आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि एक छोटी छोटी कंपनी और इतना बड़ा मनी रेज कर दे। सीबी ने साफ साफ कहा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के जरिए कारोबार को आय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है और उसके झांसे में निवेशक आते हैं और बाद में शेयर के भाव को इन्फ्लेट किया जाता है और वहां पर प्रमोटर एग्जिट लेते हैं। यहां पे सबसे पहला है अर्चित न्यूवुड, यहां पे इनकी आईपीओ डिले हुई है, अब एक्सचेंजेस ने क्वेरीज भी बैठाई है। दूसरा रिसोर्स ऑटोमोबाइल, हमने हाल ही में देखा ये 12 करोड़ का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना आया है, 2700 करोड़ रुपये का। तो हमारी यही पेशकश है, यही एक्सरसाइज है कि आप सतर्क रहें। बिल्कुल, तो अब सेबी ने भी सतर्क रहने की सलाह दी है और ईटी नाउ स्वदेश ये मुहिम चला ही रहा था, एसएमई आईपीओ शेयरों से निवेशकों को सावधान रहने की मुहिम, हम लगातार इस पर फोकस कर रहे थे और अब सेबी के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके भी तरफ से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, सतर्क रहने की राय वो दे रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने एक्सचेंजों और ऑडिटर्स को भी संभल कर रहने की सलाह दी है।